हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आपका भाई सारे बहुत अच्छे होंगे। एक नया दिन, एक नया व्लॉग। तो आज है मंडे और इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 11। हम लोग जा रहे हैं सोलन। आज जो हमारा हमारी छुट्टी है, क्यों सैटरडे संडे और मंडे हमारे ऑफ रहता है और सैटरडे हमारा वर्किंग रहता है। तो फिर आज छुट्टी है, कल से क्लासेज है। तो आज हमें जो है सब्जी वगैरह लेनी थी सोलन से। यहाँ रूम में जो है सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हम लोग सोलन जा रहे हैं और थोड़ा बहुत और भी सामान लेने को है। जैसे क्या बताऊँ है, थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। और हमें शर्ट्स भी थोड़ी कट करनी है, क्योंकि जो मैंने शर्ट्स ली थी बर्थडे पे, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग, तो वो शर्ट्स थोड़ी लंबी है, तो वो भी तो कट करनी है, तो वो भी सोलन ले जानी है। मैंने रामपुर में कट करने को बोला था, बट उन लोगों ने बोला कि हमें जो है वो कट करनी आती नहीं, किस तरह से कट करते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सोलन में कट कर लूँगा। तो अभी चलते हैं सोलन को, और दोनों तैयार हो गए। अंशुल भी तैयार हो गया है। कहाँ गया वो, रहा अंशुल? तो बस अब चलते हैं, बस आती होगी शायद 12:30। टाइम क्या हो रहा है, टाइम कितना बताया, सॉरी मैंने आपको 11 बजे बताया, 11 नहीं 12:30 होने वाली है, 12:20 हो गए और मैं 11 बजे जी रहा हूँ अभी। चलो चले, तो थैला भी भर दिया है, चलते हैं, लेट्स गो। देखो हम लोगों ने एक्सटेंशन दे दिया लोगों को, फिर यहाँ से अभी अपनी वायर कनेक्ट कर लेंगे टाइल्स वगैरह काटने के लिए। और टैंक दिखाता हूँ कितना बड़ा है, देखो सीमेंट वगैरह कितना नीचे हो रखा है। ये टैंक है, ओ बाप रे बाप, हेलो, काफ़ी बड़ा है ये। अच्छा नीचे है, इसमें टाइल्स लगाने लग गए आप लोग? कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये? आज ये लगा देते हैं। क्या दो टैंक है ना? दो टैंक है इसमें, एक ये दूसरा, यहाँ से लेके 10 फुट इधर है। हाँ, फिर 10 फुट उधर। ओ, 10-10 फुट के दो टैंक है कमरों के नीचे, टाइल्स वाली, किचन वाली, सारी मिक्स टाइल है। मिक्स टाइल्स है भैया। आपने रात को खुला रखा था ये? रात को कोई चले ना जाए इसमें, तो चलो चलते हैं, रख लीजिए। मैं टाइम 1:30 बजे का हो गया, हम लोग सोलन पहुंच गए। सबसे पहले आते ही हम लोग खाना खाने बैठ गए, क्योंकि हम लोगों ने जो है सुबह से कुछ नहीं खाया था। हमने पिछले कल शाम को जो है राजमा चावल बनाए थे, तो फिर सुबह ऐसा था कि अगर सुबह खाएंगे फिर हमें रात को फिर से खाना बनाना पड़ेगा तो फिर हम लोगों ने नहीं बनाया सुबह, फिर हमने नहीं खाया वो, कि सोलन जाके खाएंगे। वो हमने रात को रख लिया है कि अब रात को नहीं बनाना पड़ेगा, वही खा लेंगे राजमा चावल। बाकी अभी हम लोग खाना खाने बैठे हैं, तो हमने ऑर्डर किया है, दिखाते हैं क्या क्या ऑर्डर किया है हम लोगों ने। फ्राइड राइस मंगवाया है और राजमा चावल मंगवाया है इसने, और हमने मोमोज मंगवाए हैं, तो हम लोग ये खाएंगे अभी लंच में। हम लोगों ने कर दिया है, अब जाएंगे हम पहले विशाल मेगा मार्ट में लेना। यहाँ से कुछ भी नहीं, बट फिर भी देखते हैं कुछ अगर यहाँ मिल जाए जो हमें चाहिए, अगर यहीं मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो बाहर से शॉप से ले लेंगे। मेरे घर तो अब समर के आने स्टार्ट हो गए हैं, बट यहाँ पे कपड़े वैसे ही है जो किसी काम के नहीं है। आज हमने ये पहना है, चल देखते हैं कुछ निचली साइड, चल खाने वाले पोर्शन में, कपड़े में कुछ नहीं लेना है, निचली साइड देखते हैं खाने पीने में कुछ दिख जाए कुछ। यहाँ पे जो सारे बर्तन वगैरह मिल जाएंगे, खाने पीने का सामान मिल जाएगा, कुछ और लेना होगा सब मिल जाएगा, बेडशीट वगैरह कुछ भी लेना हो सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो यहीं पे जाएंगे, देखते हैं कुछ पसंद आए तो ठीक। ग्रीन टी चाहिए, ग्रीन टी नहीं दिख रही है, ग्रीन टी है इधर को, जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है मेरे को। ग्रीन टी चाहिए, ग्रीन टी नहीं दिख रही है मुझे। बाय वन गेट वन फ्री, ये वाले लेना इस बार, ये वाले अच्छे। ऑल टाइम फेवरेट
हाँ जी, तो अभी जो हम लोग वापस रूम को आ गए हैं, टाइम जो है 4 बजे का हो गया है। तो हम लोग अभी पहुंच गए, जस्ट कपड़े वगैरह चेंज किए और हम लोग सामान लेकर आ गए सोलन से। आपको बैग, 3 बैग दिख रहे होंगे। एक में जो शर्ट्स थी वो कट करवानी थी, वो कर दी है, और 2 बैग में सब्जियां ही सब्जियां हैं, क्योंकि पूरे 1 हफ्ते की सब्जी लेकर आते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि आज लेकर आते हैं एक दिन की फिर कल लेके आओ, हम जो है एक साथ ही पूरे हफ्ते का ले आते हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते फिर टाइम नहीं होता है, फिर डेली क्लास जाना होता है, सुबह सब्जी चाहिए होती है, लंच के लिए चाहिए होता है, तो फिर हम साथ ही ले आते हैं पूरा कोटा। और वैसे भी अभी तो सब कुछ ख़त्म था, प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ, आलू वगैरह सब कुछ ख़त्म थे, तो फिर ले आए, काफ़ी सारा सामान ले आए हैं। तो अब इसको अनपैक करते हैं, इतना सारा सामान है। और ऊपर से सोलन में गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है सोलन में कि मत पूछो। और बाहर चला है टाइल का काम ज़ोरों शोरों से, एक दो तीन दिन में इनका काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सारी गंदियाँ साफ़ हो जाएगी, नहीं तो बाहर इतना सीमेंट वगैरह रेत वगैरह हो गया है कि बाहर चलना मुश्किल है। बाकी अभी सामान को अनपैक करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, क्योंकि आँखों में दर्द हो रही है। जैसे आजकल फ्लावरिंग सीज़न चला है, तो इस टाइम पे जैसे लोगों को छींक आने स्टार्ट होती है, नाक बहती है, मेरे साथ उल्टा है कि मेरे जो है इस टाइम पे आँखों में पेन होता है, पता नहीं क्यों। लोगों के नाकों में, नाक से कलते पानी बहता है और मेरी आँखों से पानी बहता है, तो फिर आँखों में पेन हो रहा है। थोड़ी देर रेस्ट भी कर लूँगा और फिर उसके बाद उठ के फिर थोड़ा बहुत और काम है, फिर वो करेंगे। तो पहले मैं सारी सब्जी वगैरह जो है अनपैक कर देता हूँ, उनको किचन में रख देता हूँ अच्छे से। हाँ जी, तो अभी जो है रात के 9 बज गए हैं और डिनर वगैरह कर लिया है हम लोगों ने। तो इस वक्त मैं बैठा हूँ हीटर के पास, अभी ठंड जैसी लग रही थी थोड़ी, तो मैंने आज हीटर चला ही लिया, सोचा चलो थोड़ा कॉफी कुछ दिन इसको जो है चला ही लेते हीटर को, और खाना खाने के बाद पी रहा हूँ ग्रीन टी, क्योंकि इतनी गंदी आदत है ना मुझे ग्रीन टी पीने की, मतलब खाना खाने के बाद मुझे ग्रीन टी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मतलब खाना डाइजेस्ट होता ही नहीं है। तो पिछले कल जो है फिर ग्रीन टी थी नहीं, तो मतलब मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस मतलब खाना मतलब बाहर आने वाला है मुंह से, इतना ज़्यादा खा लिया था। अगर ग्रीन टी पी लेता हूँ खाना खाने के बाद तो फिर सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है मेरा, तो फिर मैंने ग्रीन टी बनाई है। तो रात रात को डेली जो है ग्रीन टी पीता हूँ। बाकी साथ में रखी है मैंने सब्जी, प्याज टमाटर लहसुन। रात को जो है मैं सब्जी काट के भी रख लेता हूँ, कभी मैं काटता हूँ कभी अंशु काट के रख देता है। अभी वो जो है किचन में बर्तन वगैरह धो रहा है, तो मैंने सोचा चलो कि मैं अभी जो सब्जी काट कर देता हूँ। सुबह जो है क्लास होती है 9 बजे से, कल मेरी क्लासेस है 9 बजे से 9:15 से, तो सुबह इतना टाइम होता नहीं है कि आप सुबह सब्जी भी काटो फिर चपाती बनाओ फिर खाना खाओ तैयार हो और फिर लंच पैक करो, तो इतना टाइम सुबह होता नहीं है। तो फिर हम शाम को जो है सब्जी काट के रख देते हैं। अभी मैं सब्जी काट के रख दूँगा, प्याज टमाटर काट के रख दूँगा, सुबह सो के उठूँगा तो फिर एक साइड जो है अंशुल आटा गूंथेगा फिर चपाती बनाएगा, एक तरफ को मैं उतने में सब्जी बना दूंगा, सब्जी सब कुछ कटी होती है, बस मुझे तड़का मारना होता है, फिर उतने में जितने में इसकी चपातियाँ बनती है साथ साथ में जो है सब्जी भी पक जाती है, उतने में नहा के आ जाता हूँ जितने में सब्जी पकती है इसकी चपाती बनती है, फिर ये नहाने जाता है। उसके बाद फिर मैं उतने में जो किचन में सब्जी वगैरह बंद कर लेता हूँ, उतने में लंच पैक कर लेता हूँ, किचन साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर नहा के आता है, फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर क्लास चले जाते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है हमारा रूटीन रहता है मॉर्निंग में, इसलिए जो है शाम को सारी तैयारी करके रखनी होती है। रात को चाहे आप जितना भी थक जाओ ना, लेकिन थोड़ा सा टाइम हमें निकालना ही पड़ता है सब्जी वगैरह बनाने के लिए। अब आप लोग कहोगे कि सुबह दाल चावल बनाया करो तो इजी रहेगा, बट दाल चावल जो है सुबह हम नहीं खा सकते हैं, मतलब सुबह हमें खाना ही बड़ा अजीब लगता है दाल चावल की, सुबह सुबह चावल खा लो, सुबह जो है चपाती खाने की आदत है, बचपन से चपाती खाते आ रहे हैं, तो अब सुबह जो है चपाती खाने की आदत है, या फिर परांठे हो गए, बट परांठे के लिए तो संडे है, संडे वाले दिन बन जाते हैं, छुट्टी वाले दिन आराम से बना लो परांठे वगैरह, बट बाकी डेज में परांठे नहीं बना सकते हैं। तो सुबह सब्जी चपाती ठीक है और रात को दाल चावल। तो अभी जो सब्जी कट करके रख दूंगा, बाकी कुछ भी नहीं। आप लोग भी रात को ग्रीन टी पिया करो, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है, बट शुगर मत डालना। कई लोग मैंने देखे हैं जो ग्रीन टी पीते हैं उसमें शुगर भी डालते हैं, अरे भाई तो फिर ग्रीन टी पीते क्यों, अगर शुगर डालनी है इसको जो है ऐसी पिया करो, बस पत्ती डाला करो और पानी, काफ़ी अच्छी होती है हेल्थ के लिए तो, और आपके डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। तो मैंने आज ही लेकर आया हूँ, नहीं पता नहीं इस बार जो है मैंने लिप्टन की नहीं लाई है, कोई और लाई है, नाम नहीं मैंने पढ़ा कौन सी लाई है, बट अच्छी है, काफ़ी अच्छी है।
बाकी अब सब्जी वगैरह कट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से, कि अब तो उसके बाद फिर सो जाऊँगा। सुबह जो है क्लास भी है तो जल्दी उठना है, सुबह 6 साढ़े 6 तो उठना ही उठना है। उसके बाद फिर अपनी क्लास की तैयारी वगैरह, कल फर्स्ट डे है कॉलेज का मेरा, नेक्स्ट लास्ट सेमेस्टर है तो 8 सेमेस्टर का फर्स्ट डे है कल कॉलेज का। तो कल कैसा कैसा जाता है मेरा पूरा दिन कॉलेज में, वो आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल इस व्लॉग एंड यहीं पे कर लेते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।